ये नल धोपे है हमारा, यहाँ इनको धाजा चढ़ाना पड़ता है। अरे मेरा डंडा नहीं नहीं है। आश्रम देखना कितना नीचे पहुंच गया यार, आश्रम से भी ऊपर आ गया। आश्रम नीचे, वो उधर कौन है, वो देखो वो सामने सफेद सफेद दिख रहा है उधर, उधर उंगली मत लगाना, वो सामने देखो सफेद सफेद, इधर लाओ डंडा दो बताता हूँ। वो देखो वो सफेद सफेद दिख रहा है उधर, हाँ वो नारायण आश्रम, हाँ कौन है वो नारायण आश्रम है। गाड़ी से तो पहुँच जाते ही, इतने सामने ये भूंगा है, भूंगा का यहाँ आते समय तुम्हारे कपड़े चेंज होंगे, सारे कपड़े कपड़े अपने सब। अभी चले गए लोग ऊपर, तो जा तो वो चले गए कहाँ, वो वहाँ कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं मतलब आते समय, जाते समय इस जगह पे जाते समय, तो ये बंकर है ऊपर पे, इससे ऊपर वो है 40-50 200 तक बंकर है इधर पे, 200 तक। हाँ पूरी फोर्स रहती थी पहले आर्मी की। ये तो दिखाई दे रहा है जो हिमालय है, हिमालय से आगे और भी तो 90 किलोमीटर आगे होगा, 90 किलोमीटर क्यों, एयर स्पेस में कम होगा। हाँ एयर स्पेस वो नीचे भैया बुंगा ही था, हाँ वो बुंगा, ये है बुंगा, ये पूरा ही तो बुंगा है। अब आए हम लोग बुंगा, इसको भी तो बुंगा बोलते हैं जहाँ पे नीचे पे थे खड़े हुए पूरा एरिया। हाँ बुंगा वही है, तो बहुत आ रही है ऊपर है, बहुत दूर है वो लगा, वो एक न्यू सेंसर ऊपर दिया था उसने, डीआरडीओ ने बनाया जो ये है। हम लोग हिमालय की हाइट पे वो देखा पूरे पहाड़ हमसे नीचे नीचे अखोड़ा से तो पहाड़ ऊपर दिखते हैं, यहाँ से तो रहेंगे हम लोग आते समय। हाँ यही है आर्मी वाले बंकर, इसकी पूरी यूनिट रहती थी यहाँ, पूरी यूनिट ये है इसके अंदर। कल नहीं परसों, चार दिन बाद हम इसी के अंदर सोएंगे, इसी बंकर के अंदर। ये आर्मी वालों का बंकर है जो आज से जब 92 का टाइम था उस समय बने थे ये। 92 से भी पहले बन गए थे सब बंकर, बहुत साल हो गया। एक बंकर ये है, एक बंकर ये है, एक ऊपर, एक ऊपर, एक इसके पीछे, अभी आगे भी मिलेंगे तुम्हें ऐसा, क्योंकि यहाँ सब आर्मी एरिया था पहले, अब यहाँ दोबारा आर्मी आने वाली है, अब ये रिन्यू हो जाएंगे दोबारा बंकर। और ये पूरा इलाका फौजियों का इलाका है यहाँ तक। और देखिए हमारी काली नदी, वो नीचे पे काली नदी दिख रही है, इतना ऊपर आ चुके हम लोग, हमारा पहाड़ से ये जो छोटे पहाड़ है ना इनसे भी ऊपर है अभी हम लोग। और ठंडी हवा देखो अभी से चलने लग गई है, मैं पहुंच जाऊं बस वही है। वो बर्फ है क्यों, ये सब बर्फ है क्या, ये चटक सफेद दिख रही है यार बर्फ, ये हिमालयन रेंज है, पूरी हिमालयन रेंज थ्रू नेपाल होते हुए जाती है। हाँ यहीं माउंट एवरेस्ट है, इस साइड को है माउंट एवरेस्ट, इधर ही इस साइड को माउंट एवरेस्ट है, और इस साइड को है पंचाचोली। कल दिखाएंगे हम आपको पंचाचोली, आज तो दिखा नहीं सकते। कहाँ से दिखती है पंचाचोली, ओ भाई साहब अभी तो क्या ही दिख रही, देख रहे हो, देख रहे हो आप कितने ऊंचाई पे हम लोग। ये हमारे पंकु भाई साहब, यहाँ उड़ार नहीं है क्या कहीं, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ मैं ये हमारा इंडिया है, ये नदी है जो काली नदी, वो इंडिया और नेपाल को डिवाइड करती है दोनों को। और इस साइड वाला हिस्सा पूरा इंडिया का है, जिस साइड को मेरा अभी हाथ है इस साइड का पूरा हिस्सा इंडिया का है, और इस साइड का हिस्सा पूरा नदी के इस साइड का हिस्सा नेपाल का है। और यही है वो नदी है जो लास्ट बॉर्डर है इंडिया और नेपाल को जो डिवाइड करती है, तो ये मतलब नेचुरल बाउंड्री है हमारी, ये वाली है। हाँ ये काली नदी है, यहाँ पे ये पुल देगी देख रहे हो, ये वो कुला, हाँ कुलागाड़ में ये जुमा वाला रास्ता है, श्यांकरी वाला रास्ता है वो जुमा वाला है। ये देखो मैं बताता हूँ, ये है तुम्हारा श्यांकुरी, ठीक है ये पूरा श्यांकुरी है ये ऊपर तक, और वो है तुम्हारा जुमा,
वो हाँ ये वो पहला पहाड़ श्यामकुरी का, दूसरा पहाड़ जुमा का, तीसरा पहाड़ है राथी। राथी हाँ, वो तीसरा पूरा पहाड़ राथी में आ रहा है। और वो देखो वो भूस्खलन हो रखा है वहाँ पे, इसी साल हो रखा है वो भी। एक इधर पे हुआ है, एक ये जुमा वाले में हो रखा है, इसके बीच में, यहाँ वाले इस वाले पहला ये पहाड़ दूसरे पहाड़ के बीच में भूस्खलन हुआ था, वो जाते समय दिखाऊंगा। ऊपर ये नेपाल की चोटी, वो देखो सबसे ऊपर सबसे ऊंची चोटी नेपाल, ये पूरी नेपाल, पूरा नेपाल और ये पूरा इंडिया। जब यहाँ से निकलेंगे तब वहाँ के ब्लॉग में दिखाऊंगा इंडिया और नेपाल के, बिल्कुल जड़ में जाऊंगा नदी पे, वहाँ से वो एडवेंचर करके दिखाऊंगा नदी पार करके इंडिया और नेपाल। हम सब आ रहे हैं ना, ये पूरी नीचे खाई और वो नदी, इंडिया नेपाल, इंडिया एंड नेपाल जाएंगे। अभी 5 दिन बाद जाएंगे, जब यहाँ से छिपला ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जाएंगे नेपाल, पुल पार करके, पुल नहीं मैं जाऊंगा थ्रू रस्सी जो पुराने ज़माने के लोग जाते थे पीछे से अटैच किया, और नदी के रास्ते हम पार करेंगे, जाएंगे नेपाल घूमेंगे। अब ये वाली जो नदी आती है वो आती है ग्लेशियर से, और जो हमने पीछे दिखाई थी इस साइड से ये जाती है, आगे से काली नदी आती है वहाँ से आती है, और दोनों मिलते हैं वहाँ पर, संगम होता है तवा घाट पर। और ये देखिए बुग्याल वाला इलाका, पूरा बुग्याल है, पूरा बुग्याल, और वहाँ पर जंगल, और पीछे देख सकते हैं ये रेंज है पूरी माउंटेन की, हिमालयन रेंज है जिसको बोलते हैं हम लोग। वो देखो यहाँ पर इस साले में बर्फ़ पिघल चुकी है इधर वाले में, हाँ ये पूरी जो लाइन लगी हुई ना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, आर्मी वालों का इलाका है, सिकॉय चार्ली कंपनी है, ये चार्ली कंपनी का, चार्ली कंपनी, चार्ली कंपनी होती ना ब्रावो चार्ली 7 जैक राइफल्स इन्होंने बनाया था यहाँ पे। ये सब बंकर इन्हीं के हैं, देख लो कहीं नीचे, कहीं 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 ऊपर आ गए हम तो, गांव तो नीचे रह गए क्यों पूरा, वो लास्ट है कोना, लास्ट को गांव ये कोना दिख रहा है, इसके बाद पूरा हम लोग यहाँ हैं इस तो वाले में, अभी और भी ऊपर जाने वाला, ये पौरे आ रखा है ना। ये है हम पहुँच चुके हैं तिल्याड़गढ़ी, ये है तिल्याड़गढ़ी, ये यहाँ पर जितने भी नौल धुपिया होते हैं वो सब यहाँ खाना खाते हैं आते समय 5 दिन बाद, मुंडन तो बरम में होते हैं, मुंडन करवा के ऊपर बरम में, छिपल ताल में भी करा सकते हैं बोले यहाँ आते हैं खाना। हाँ छिपल ताल में भी होता है, होता है, मेन तो वहीं का हुआ, कौन कराएगा यहाँ तो कोई कर ही नहीं देगा, तो छिपल ताल करते हैं, ब्लेड ब्लेड है सब करते हैं। अरे अरे वो हमारे स्वेटर तो यहाँ बटाने तो यो, अरे 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 युवराज कहाँ से आता हुआ तिल्याड़गढ़ी में, चलो पानी पीने, कितना दूर है बस, ये तिल्याड़गढ़ी 1 किलोमीटर है, खाना वाना रेस्ट सब यही होगा, परसों 4-5 दिन बाद यही होने वाला है खाना पीना, सबका यही होता है यहाँ पर, सारे जो भी वो होते हैं ना नौल धुपिया जिसका व्रत होता है सब यहीं खाएंगे, यहाँ से ऊपर तो मास्क लगाना पड़ेगा, बोले हम लोग भूल गए थे रास्ता भटक गए थे। अरे भाई बिच्छू लग गया रे, बनियान के ऊपर ही बिच्छू लग गया, हाँ जलन हो रही है भाई, गौड़िया बिच्छू लग गया, किसने पैर में की आंखें, ये कंधे के नीचे इतने बड़े बड़े बिच्छू, जलन बहुत कर रही है। हम जाने वाले हैं इस पेड़ के से, पेड़ से ऊपर, ये पेड़ टूटा हुआ पेड़, इसके ऊपर, हाँ ऊपर, हाँ ये नहीं दिख रहे पेड़ टूटे हैं यार, वो टूटे हैं फिर इनको तोड़ के ले गए होंगे लोग गांव वाले, गोला बना रखे अरे ये यहाँ पर वो है, बकरी बकरी रखते हैं खाना खाने, किसे खाओगे पानी, ऊपर का धारा होगा गंदा नहीं है वे, ऊपर वो वहाँ पे सही है विदार, यहाँ पे थोड़ी सही आ रही है, यहाँ का यही पानी होता है भाई। और ये हमारा रास्ता, इसके ऊपर से जाना पड़ रहा है हमें,
अब ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, यहीं से पानी भरने वाले हैं। ये सबसे शुद्ध फॉर्म ऑफ वाटर जो सीधा आता है, बर्फ़ वाला पानी है बिल्कुल, ये बहुत शुद्ध पानी है, मिनरल्स प्रोटीन वगैरह सब भरे पड़े रहते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है इसको पीने के लिए पानी। ठंडा पियो, पियोगे तभी तो पता चलेगा, रिस रिस के आता है पानी वाला, पूरा जमीन का पानी है, सबसे शुद्ध पानी है हमारे वहाँ का। हाँ ये पूरा फिल्टर है, जो मिट्टी है पूरा फिल्टर का काम करती है, इसमें कोयले भी होंगे, कोयला उसको प्यूरीफाई करता है पानी तो को। हाथ में तो कोई ठंडा लग रहा है, कैसा लग रहा है पानी भी क्या? इससे भी कहीं ठंडा क्यों? हिमालय का पानी है ये सबको सबको नसीब में नहीं आता, सबके नसीब में नहीं आता। फ्रिज वाला पानी तो क्या होगा, बिना फ्रिज चलाए हुए फ्रिज से ठंडा पानी पी रहा है। जल्दी चल रहा हो, चलो जल्दी भरो, वो भकरिया आ गया, अब धानिया में लोग आ गए होंगे। हम तो क्या चलते चलते पहुंच जाएंगे, हमने पानी पी लिया है, पानी भर के ले जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमें जाना है, 2 दिन का रास्ता तय करना है, और पानी हमें अब मिलेगा सीधा बरम में, यहाँ पानी कहीं मिलने वाला है नहीं, अब पूरे दिन भर हमें बिना पानी के गुजारना पड़ेगा। हाँ ये एक बोतल में लेके जा रहा हूँ, एक बोतल ये ले जा रहा है, लेकिन ये इसकी बोतल नहीं है, किसी और की बोतल है, ये किसी और को दे देगा। तो अब इसी पानी से हमें पूरा दिन निकालना है, पूरा दिन भर चलना है, शाम को 6, 7 या 8 बजे हम बरम पहुँचेंगे। 7-8 बजे? हाँ 6 या 7 बजे हम लोग बरम पहुँचेंगे। अब वो चलने के ऊपर होता है ना, अच्छा तो हम मान के चलते हैं कि 6 या 7 बजे अंधेरा होते होते बरम पहुँचेंगे, तब तक हमें सीधा चलना ही है। और पानी अब कहीं नहीं मिलने वाला हमें, बिल्कुल पानी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं पानी लेने के लिए भी, हम लोग लगभग 1 किलोमीटर तक लगभग आ चुके हैं, 1 किलोमीटर। और ये आप